हाय भाई, सभी देशवासियों को मन्नान खान का प्यार भरा नमस्कार। हमारे साथ में यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं और हमारे यहाँ गुरु के यहाँ पे एक स्नेक निकला था गोदाम में, जिसकी हमें फोन द्वारा सूचना मिली है। जैसे कि दोस्तों आपने कहा है, जैसे कि आपने देखा, हम अभी हॉस्पिटल से अभी 2 दिन पहले डिस्चार्ज होकर आए हैं। स्नेक पकड़, स्नेक बाइट हुआ था और बड़ी खुशी की बात है कि हम डिस्चार्ज होने के बाद एक रेस्क्यू में फिर आए हुए हैं। और दोस्तों अभी आप दिखाते हैं हम आपको इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, या दिस इज माय काला नाक भी हो सकता है। अब आप बने रहे हमारे साथ। जो है एक सेकंड निकलाना, इतने पुश करें रहने किनारे में है। बहुत बहुत तेज भागी, बाहर निकाल ले, चल बाहर पकड़ेंगे पहले। हो ये है, ये बैठा है। ओहो ब्यूटीफुल स्नेक, करिया है, करिया है भैया। बाहर ही चलो, बाहर ले चलो, बाहर बाहर तो आ ही जाए। ये देखिए, चलिए ये देखिए दोस्तों, बहुत खूबसूरत स्नेक, ब्यूटीफुल आ गया। और ये इतना लाजवाब है, चमक बड़ी जा रही है, खूबसूरत चमक का दीदार कर रहे, देखें आप इतनी अच्छी चमक का स्नेक। और दोस्तों जैसे कि आपने देखा है रेड स्नेक, अरे भैया चमक कितनी प्यारी है इसकी, मैंने कहा था चमक रहा है ना, काली काली वाली। खाना भी निकाला ठीक है। और देखा इसको पकड़ने के लिए हम लोग आए थे सिंहपुर गांव, पंचायत सिंहपुर है, गुरु के यहाँ पे गोदाम थी, जिसकी हम फोन द्वारा सूचना मिली है। इतना विलम्ब करते हुए यहाँ पे आए हैं एक वन्यजीव की जान बचाने के लिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो कृपया करके जो रेड बटन है वो दबा दें, बेल आइकन घंटी, जिससे ऐसी जहरीले और नॉन वेज जहरीले जानकारी की जानकारी हम आपको दे सकें नोटिफिकेशन के द्वारा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पुरानी है, लेटेस्ट है और बहुत ही ब्यूटीफुल। इसके काटने से कुछ नहीं होता, के बाद आदमी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। नन्ना बोरी ले जाओ, ले आओ बोरी लाओ। खाया है भाग, कुछ करना ही रहेगा। चलिए खाया, चलते हैं आपसे मिलेंगे जल्द से जल्द, इसको फॉरेस्ट सेंचुरी में करेंगे अगली। बने रहे यूट्यूब में और वीडियो में, हम अभी आपको दिखाते हैं, इसीलिए इसको करना है अभी हमें बंद। और फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत। सभी देशवासियों को मन्नान खान का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। जैसे कि फॉरेस्ट सेंचुरी में हम लोगों ने अभी एक स्नेक पकड़ा हुआ था, फॉरेस्ट सेंचुरी में आ चुके हैं। हमारे साथ में यहाँ बरियारपुर बीट के बीट गार्ड जी अनिल रेकबार जी मौके में हैं। और अनिल रेकबार जी मौके में हैं, यहीं से चौकी में अभी ड्यूटी से आए लौट के, तो उनको पता चला कि वन्य जीव पकड़ा गया है, तो उनने हमें योगदान दिया, हमें हमारे साथ में फॉरेस्ट सेंचुरी आए हुए हैं रिलीव करने के लिए। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है अनिल अखबार जी का, कई वन्य जीवों को पकड़वा के फॉरेस्ट सेंचुरियों में रिलीव करवाया है, कई जगह रेस्क्यू में गए हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि ऐसे वन्य जीवों को पकड़ाने में और रिलीफ में साथ में रहते हैं। और इसको देखें, अब हम दिखाते हैं वन्य जीव, इसलिए कि यहाँ पे काफ़ी ये है गांठ लगी हुई है, इसलिए थोड़ा सा धारदार औजार का इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग ये काटने के लिए, डोरी वगैरह। अभी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसी प्रकार के एक सर्प ने हमारे मन्नान खान, जो समाज सेवक हैं और सर्पों को पकड़ते हैं, इनको काट लिया था और काफ़ी गंभीर हालत हो गई थी, लेकिन इन्होंने अपने जज्बे को कम नहीं किया और लाखों लोगों की दुआओं ने इन्हें बचा लिया। और आज भी ये काम फिर से शुरू कर दिया और ये घरों से सांप को पकड़ के और जंगलों में छोड़ देते हैं। ये एक समाज सेवा है जो ये निःशुल्क करते हैं निस्वार्थ भाव से। और सांप लगता है काफ़ी बड़ा है ये, करीब एक ब्यामा, जिसको हिंदी में एक ब्यामा बोलते हैं, और करीब इसको अगर देखा जाए सही ढंग से तो ये
करीब 7 से 7.5 फीट तक का ये स्नेक है। अब देखेंगे सर्प को, ये देखिए, ये देखिए, ये बहुत बड़ा सर्प है।